कैसी लगी आपको फ्राइडे? बहुत अच्छी थी मूवी, गोविंद और वरुण शर्मा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है कॉमेडी के अंदर। और गोविंद का कई लंबे टाइम के बाद कमबैक कर रहे हैं तो बताइए कि हाँ पहले के गोविंद और अब के गोविंद में बहुत फ़र्क है, अभी वो लोग और भी ज़्यादा कॉमेडी करते हैं और बहुत अच्छे भी लगे स्क्रीन पे। वरुण शर्मा के बारे में क्या कहना है? वरुण शर्मा भी बहुत अच्छे, उनको आज का गोविंदा कहा जाता है, सो बोथ ऑफ द गोविंदा आर वेरी गुड। कोई सॉन्ग पसंद आया इस मूवी का? हाँ सभी सॉन्ग अच्छे हैं वैसे तो। डायरेक्शन का कितना नॉलेज है, डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है आपको? डायरेक्शन स्टार्टिंग टू एंड वैसे तो कॉमेडी के हिसाब से देखा जाए तो बांध के रखते हैं ऑडियंस को, और अगर आप बहुत दिन के बाद आए होंगे और फ्राइडे देखेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। सो डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी? यस ऑब्वियसली। आउट ऑफ 5 स्टार? 5। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको फ्राइडे? फ्राइडे बहुत अच्छा मूवी था वैसे, मुझे बहुत पसंद आया। बड़े काफ़ी दिनों के बाद मैं पिक्चर देखने आया हूँ तो वरुण धवन और वरुण शर्मा और गोविंदा जी की एक्टिंग बड़ी मज़ेदार थी। वरुण शर्मा को मैंने लास्ट फुकरे में देखा था तो उसके बाद में अभी मतलब मैंने उसको फिर बीच में पिक्चर में नहीं देखा था, उनको फिर डायरेक्ट अभी देखा। बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, ऐसे स्ट्रेसफुल डे के बाद आने के बाद ऐसे पिक्चर देखने के बाद बड़ा अच्छा था मूवी वैसे। गोविंदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं, पहले के गोविंदा और आपके गोविंदा में कितना डिफरेंस? किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, उनके बाद आप समझ सकते हो कि गोविंदा की इतना अच्छा सॉन्ग मुझे पता है, उनके बाद में अभी ये पिक्चर देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उनका मुंह देखने के बाद, उनका शरीर देखने के बाद बड़े चेंजेस आए उनमें, और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। पिक्चर अच्छा था वैसे, बहुत कॉमेडी था, बड़ा मज़ेदार पिक्चर था, आप लोग ज़रूर देखने का। पिक्चर फ्राइडे को, फ्राइडे ही पिक्चर रिलीज हुआ और बड़ा पिक्चर है, ज़रूर देखने का। फुल पैसा वसूल मूवी देखने का। आउट ऑफ 5 स्टार आई वुड रेट इट अ 5 स्टार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो, वन बाय वन करेंगे? नहीं, हो गया हम लोग भी दो दिन कर दिए। ये मतलब लास्ट है, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको फ्राइडे? अच्छी है, ऑसम पिक्चर है, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरटेनिंग है, कॉमेडी बहुत ज़्यादा है। फुकरे के बाद में क्योंकि इसकी चूचा की हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, और बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत मज़ा आया, अच्छी पिक्चर है, सबको जाना चाहिए। मैं तो बहुत मज़ा आया, बहुत कॉमेडी है, बहुत अच्छा लगा। गोविंदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पहले गोविंदा और आपके गोविंदा में कितना डिफरेंट? बहुत अच्छा लग रहा है, गोविंदा की एक्टिंग भी अच्छी, और इसमें भी बहुत अलग दिख रहे कुछ, और ऑसम भी लग रहे, अच्छा लगा। सॉन्ग पसंद आया? सॉन्ग कवा वाला सॉन्ग ऑसम है, इट्स ऑसम सॉन्ग, बहुत अच्छा है। वरुण शर्मा एंड गोविंदा की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? है अच्छी, ऑसम है, बहुत पसंद आया हम लोग को। डायरेक्शन का डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है आपको, कितना एंटरटेन करता है डायरेक्शन का, अगर कुछ नॉलेज है आपको कुछ कहना चाहना डायरेक्शन? डायरेक्शन का मतलब कि डायरेक्टर ने जो डायरेक्ट किया है। हाँ नेक्स्ट क्या होगा ये कितना बांध कर रखता है? ये तो कुछ सोचा नहीं हूँ मैंने ऐसा कुछ। और कितना है, 5 में से कितने? 5/5 देंगे, बहुत अच्छी 5/5 देंगे। कैसी लगी आपको? बहुत ऑसम मूवी है, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में, मुझे बहुत इंजॉय किया, मैंने पहली बार इतना एंजॉय किया जितना, दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने पहली बार इतना कॉमेडी मूवी देखा है पहले से। गोविंदा और वरुण शर्मा की केमिस्ट्री बेस्ट है, मुझे इसी का इंतजार था कि गोविंदा सर और वरुण साथ में आए, और वो आज मुझे देखने मिला। आप लोग भी इंजॉय करिए, मुझे बहुत मज़ा आया, टिकट लीजिए, इंजॉय करिए, मैंने भी आज बहुत इंजॉय किया। चेंजेस तो इतना नहीं है, मगर कॉमेडी में पहले के भी गोविंदा वैसे ही, आज भी वही गोविंदा है, फ़र्क तो कोई नहीं लगा मुझे। कौन सा गाना पसंद आया? कौवा सॉन्ग, अंकित तिवारी का, अंकित तिवारी वॉइस इज ऑसम, सच में मुझे बहुत इंजॉय किया। पैसा वसूल फिर से देखने का मुझे बहुत मन कर रहा है, मैंने आज देख लिया, अब मैं फिर मेरी फैमिली के साथ वापस आऊँगा, अभी फ्रेंड्स के साथ आया था, अभी फैमिली के साथ वापस आके देखना चाहूँगा। बहुत अमेजिंग है, बहुत ही कॉमेडी है। गोविंदा सर का तो मैं पहले से काफ़ी फैन रहा हूँ, बट ये मूवी बहुत अमेजिंग, काफ़ी टाइम के बाद इनकी मूवी देखने मिली है, और इसमें चूचा भी था फुकरे के टाइम से, उसका मैं फ़ैन रहा हूँ, बहुत अमेजिंग। गोविंदा एंड वरुण शर्मा, आई मीन जो जिसे आपने चूचा कहा, उन दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? सुपर्ब, आई मीन मैं गोविंदा सर का तो फ़ैन था ही, बट इसका भी मैं काफ़ी टाइम से फ़ैन रहा हूँ वरुण शर्मा का, बट ये मूवी देखने के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर और आगे क्या देखने मिलेगा वरुण शर्मा और गोविंदा सर का फ्यूचर में। पहले के गोविंदा और आपके गोविंदा में कितना अंतर पाते हैं आप? फ़र्क कुछ नहीं है, गोविंदा तब भी गोविंदा किंग थे कॉमेडी के, आज भी किंग है, और बस फ़र्क इतना पड़ा है कि उनके कोस्टार्स बदल गए,
उस टाइम पे कादर खान, शक्ति कपूर ये सारे लोग हुआ करते थे, आज नए स्टार्स हैं, तो वही मज़ा वही है। और मैं और मेरी फैमिली काफ़ी देखते थे उनको पहले से ही, आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, बहुत सारी मूवीज़ उनकी मैंने देखी हुई है, बहुत अमेजिंग। कोई गाना पसंद है आपको फ्राइडे को? हाँ, एक था कवा पार्टी, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था। लगता है कि शायद आगे वेडिंग्स में सुनने मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा, या लोग शायद डांस कर रहे हों उसी उसके ऊपर ही, जहाँ जहाँ पर आप जाओ, बहुत पॉसिबिलिटी है। और कितने स्टार देंगे आप पाँच में से पाँच तो दे सकता हूँ, लेकिन 4.5 दूंगा, क्योंकि हमेशा स्कोप तो होना ही चाहिए।